الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده نظرين الدنيا میں ہزاروں قسم کے لوگ سب کی پسند الگ الگ ہے اگر ایک سوال کیا جائے اج لوگوں کے مجمع میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ तो सब लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जवाब देंगे किसी के नज़दीक लिबास की बड़ी अहमियत है किसी के नज़दीक दाढ़ी की बड़ी अहमियत है किसी के नज़दीक नमाज की बड़ी अहमियत है किसी के नज़दीक रोज़े की बड़ी अहमियत है कोई आदमी मालदारी और दूसरी चीज़ों को अहमियत देता है कोई इल्म को अहमियत देता है ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मैारात हैं यही सवाल जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं अल्लाह के रसूल सबसे अफजल मुसलमान कौन है तो आप फरमाते हैं वो मुसलमान जो अपने हाथ की और अपनी जुबान की ऐसी हिफाजत करें उनकी जुबान से किसी का दिल ना दुखे और उनके हाथों से किसी को तकलीफ ना हो कितनी प्यारी बात अगर हम इस गुर को समझ जाए कि हम क्या करें कि हमारी जुबान से किसी का दिल ना दुखे तो आप यकीन जान लीजिए कि आप सबसे बेहतर मुसलमान हैं अल्लाह की नजर में भी रसूलुल्लाह की नजर में भी और समाज की नजर में भी क्या कहा बुजुर्गान ने ने दिल बदस्तारी के हज अकबर लोगों के दिल जीतने का गुर सीखो लोगों के दिल जीतो यह हज अकबर से भी बड़ी चीज है हज अकबर से तुम्हें इतना फायदा नहीं होगा जितना लोगों के दिल जीतने का फायदा होगा हमारे रसूल अक्रम ने साहबा कराम ने इमान दीन ने बुजुर्गान दीन ने यही गुर सीखा था कि वो लोगों के दिल जीता करते थे बाद में हमने मुल्क जीतना किले जीतना और इलाके जीतना इस पर ज्यादा तवज्जो दी और दिल जीतने का गुर भूल गए नतीजा क्या हुआ कि जब तक हम दिल जीतते थे सारी दुनिया हमारे मुआफिक थी हमारा साथ देती थी हमसे खुश होती थी हमसे मिलकर वो अपने आप को खुश नसीब समझती थी और जब से हमने इसको छोड़ा मुल्क जमीन इलाके किले फतह करना और जीतना अपना मकसद बना लिया तो लोग हमसे नफरत करने लगे हमसे दूर भागने लगे आओ फिर से इस गुर को सीखें रसूल अक्रम वसल्लम के इस फरमान से जिसको हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही तरीन किताब में फरमाया है कि रसूल अक्रम ने फरमाया सबसे अफजल वो मुसलमान है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो हम कोशिश करें कि हमारी जुबान कंट्रोल में रहे हमारे हाथ कंट्रोल में रहे कितनी भी कैसी भी सूरत हाल हो लेकिन हम मुश्तल ना हो जज्बाती ना बने और इंतकाम लेने के दर ना हो जाए असलामकम वरहमतुल्लाही वा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।